हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना केक होल व्हीट का, है ना, यानी हम गेहूं के आटे का बनाना केक बनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 6 इंच रेक्टेंगुलर टिन को ग्रीस कर लिया है और उस पर बटर पेपर लगा के अगेन बटर पेपर को भी ग्रीस कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 2 राइप बनाना, 2 हमें पके हुए बनाना लेना है और इसे स्लाइस कर लेना है। और स्लाइस करने के बाद आपको कोई भी फोक से मैश कर लेना है। अच्छी तरह से इसे मैश कर लीजिए आप। तो ये देखिए, इस टाइप से फोक से इजीली आप मैश कर सकते हैं। पूरा इसे अच्छे से मैश करने के बाद हम लेंगे 1/2 कप शुगर। शुगर मींस दानेदार चीनी आपको लेनी है, पाउडर यूज़ नहीं करना है, दानेदार चीनी लेनी है। और 1/4 कप आपको ऑयल लेना है, कोई भी रिफाइन ऑयल ले लीजिए। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ दही 1/2 कप, यानी आपको दानेदार चीनी और दही सेम मात्रा में लेनी है, 1/2 कप लेनी है। ये ऐड करके हम इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा कोई भी लम्स ना रहे। अब हमने लिया है 1 कप होल व्हीट फ्लोर, आटा लिया है हमने गेहूँ का 1 कप, और यहाँ पे हमने लिया है कॉर्न फ्लोर 1 TSP। और अब मैं ले रही हूँ बेकिंग पाउडर 1/2 TSP, 1/2 TSP आप बेकिंग पाउडर ले लीजिए। और 1/4 TSP बेकिंग सोडा, यानी 1/2 TSP का आधा आप ले लीजिए बेकिंग सोडा। फिर इसे हमें अच्छे से स्ट्रेन आउट कर लेना है, छान लो इसे छन्नी से, पतली बारीक छन्नी से आप छान लो, है ना। और इसे हम कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब इसे हमें मिक्स करना है, तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे, सब मिल जाए। ज़्यादा भी मिक्स नहीं करना है, इतना ही मिक्स करना है कि वो मिक्स हो जाए आपस में, लम्स ना रहे। तो अब ये देख रहे हैं कि बैटर हमारा बहुत गाढ़ा है, तो इसे हम स्मूथ करने के लिए जो है 1/2 कप मिल्क ऐड करेंगे, ठीक है। मिल्क और कर्ड और ऑयल, ये सब हमारा 1/2 कप ही जाएगा। तो हमें ग्रेजुअली ऐड करना है मिल्क, पूरा एक साथ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करके मिक्स करते जाना है। देखिए 2 बार हो गया, 2 बार मैंने डाल दिया, फिर मिक्स कर रही हूँ, फिर मुझे लग रहा है और चाहिए। पूरा 1/2 कप इसमें चला जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करके जाना है, ऐड करना है मिल्क और मिक्स करते जाना है इस टाइप से। तो हमें ये देखना है कि बैटर का जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा थिक रहे, फ्लोइंग नहीं चाहिए हमें, थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी चाहिए, जैसे कि केक के बैटर का रहता है वैसे ही मेरा ये बनाना केक का जो है होल व्हीट फ्लोर का भी कंसिस्टेंसी वही रहेगा। तो इसे पूरा मिक्स करने के बाद मैं यहाँ बनाना एसेंस ऐड कर रही हूँ। बनाना एसेंस नहीं तो आप वैनिला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, इसे मिक्स कर लीजिए। फिर चोको चिप्स मैंने ऐड किया है, इसे भी हल्का मिक्स कर लीजिए। और फिर ये जो ग्रीस टिन था उसे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। अगर आप इसे गैस में करना चाह रहे हैं बेक, तो कोई भी एक मोटी तली का आप कंटेनर ले लीजिए, यानी कि कढ़ाई ले सकते हैं या फिर आप कुकर ले सकते हैं मोटा तली का, और उसमें नीचे आप सॉल्ट डाल दीजिए। और सॉल्ट डालने के बाद एक कोई रैक रख दीजिए और उसके ऊपर इसे रख के पहले प्री हीट कर लीजिए आप 5 मिनट, कंटेनर को 5 मिनट प्री हीट कर लीजिए। और फिर 55 मिनट के लिए आप उसे गैस में भी कुक कर सकते हैं। अगर कुकर में कर रहे हैं तो रिंग और उसका सीटी आप निकाल लीजिए। तो ये हमारा केक रेडी है कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री पे, 55 मिनट मैंने इसे बेक किया है, परफेक्टली बेक है और सर्विंग के लिए रेडी है। तो इन्जॉय कीजिए हेल्दी केक, होल व्हीट फ्लोर केक। तो आप ट्राई कीजिए ये रेसिपी और इन्जॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है। सबसे अच्छी बात, जो बच्चे बनाना नहीं खाते हैं आप उनको इस टाइप से चोको चिप्स का लालच देके ये केक बना के दे सकते हैं, तो बनाना भी वो खा लेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और आप टिन से आप चाकू के हेल्प से कोई भी नाइफ ले लीजिए फ्लैट वाला और उसे
इस टाइप से चारों तरफ आपको घुमाना है और फिर इसे टर्न करके बटर पेपर रिमूव कर लीजिए और फिर स्लाइस कर लीजिए जिस भी शेप का आप खाना चाहते हैं। ज़्यादा बड़े साइज चाहिए तो बड़े स्लाइस कर लीजिए या छोटे स्लाइस कर लीजिए और इसे स्टोर कर सकते हैं आप 1 वीक तक फ्रिज में और फिर सर्व कर सकते हैं। तुरंत खाना है या 1 वीक तक खाना है तो आप 1 वीक तक भी इसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।